कई विधानसभा सीटों पर जनता की नजर होती है, लेकिन जिस सीट पर युवाओं की बात होती है वहां नजर दुनिया की होती है, देश की होती है, देश के तमाम युवाओं की होती है। जैसे सचिन पायलट, मुकेश भाकर और अब एक नया नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है, वो है अभिषेक चौधरी। NSUI के नेता हैं, युवा हैं और अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। और जानकारी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट भी दे सकती है, वो भी कांग्रेस की एक मजबूत सीट लोहावट से। आइए जानते हैं क्या है लोहावट का इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक का एक विशेष कार्यक्रम हॉट सीट। राजस्थान के जोधपुर के 10 विधानसभा सीटों में एक महत्वपूर्ण सीट लोहावट विधानसभा सीट है। नए जिलों के गठन के बाद यह विधानसभा जोधपुर ग्रामीण में शामिल हो गई है और पिछले चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस ने विजय हासिल की थी, जहां कृष्णाराम बिश्नोई ने भाजपा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह को 40,000 से अधिक वोटों से मात दी थी। लोहावट में बीते 2018 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा सीट के बाद लोहावट सीट यह जीत का दूसरा सबसे बड़े अंतर वाली सीट है। इस सीट का गठन 2008 के परिसीमन के समय हुआ था और इसमें परिसीमन के दौरान 3 विधानसभा फलोदी, ओसियां और शेरगढ़ के हिस्सों को अलग कर नई विधानसभा लोहावट का गठन किया गया। इसमें 4 पंचायत समितियां फलोदी से लोहावट, ओसिया से आऊ, बिपनी से शेरगढ़ और देचू इसे शामिल किया गया और 2023 के आंकड़ों के अनुसार यहां 2,50,000 से ज्यादा मतदाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो यह राजपूत बहुल क्षेत्र है। इसके साथ ही बिश्नोई और जाट भी यहां पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके बाद आते हैं मेघवाल, मुस्लिम भी अच्छी संख्या में है। उसके बाद माली, रावणा राजपूत, भील, ब्राह्मण और अन्य जाति भी यहां पर है। अब लोहावट विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें, चुनावी इतिहास की बात करें तो 2008 के बाद यहां कुल 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें भाजपा ने 2 बार और कांग्रेस ने 1 बार अपना परचम लहराया है, लेकिन बड़ी एक जीत के अंतर से। 2018 में कृष्णाराम बिश्नोई, जो मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। 2013 में गजेंद्र सिंह खींवसर, बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का, वो वहां से विधायक थे। 2008 में भी गजेंद्र सिंह खींवसर भारतीय जनता पार्टी से ही वहां पर विधायक थे। अब 2008 में क्या हुआ? 2008 में लोहावट विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने गजेंद्र सिंह खींवसर को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने महेंद्र सिंह भाटी को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव में गजेंद्र सिंह खींवसर ने 44,437 वोट प्राप्त किए और जीत भी हासिल की। और दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी मालाराम बिश्नोई, जिन्हें 36,742 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह भाटी यहां पर मात्र 17,964 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे। कांग्रेस पार्टी की ऐसी दशा 2008 में जो पहला चुनाव लोहावट में हुआ वहां पर ऐसी थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी निर्दलीय के बाद तीसरे स्थान पर आया। बात करते हैं 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी गजेंद्र सिंह खींवसर को यहां पर जीत मिली, जिन्हें 83,087 वोट मिले और यहां पर लगातार उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की। और 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले मालाराम बिश्नोई, उन्हें कांग्रेस के टिकट पर उतारा गया, जहां उन्हें कुल 63,273 वोट मिले और वे दूसरे पोजीशन पर रहे। कांग्रेस का एक तरीके से यहां पर प्रमोशन हुआ 2008 के बाद 2013 में। 2008 में कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर थी, 2013 में दूसरे स्थान पर आई। वो भी कैसे? जो निर्दलीय प्रत्याशी ने 2008 में दूसरे पद पर रहते हुए, दूसरे स्थान पर रहते हुए ज्यादा वोट खाए थे मालाराम बिश्नोई, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और उन्हें वोट मिले 63,273, वो दूसरे पोजीशन पर रहे। और अब जो यहां पर दूसरी बार लगातार जीते थे गजेंद्र सिंह खींवसर, वो वसुंधरा सरकार जो 2013 में राजस्थान में आई उसमें मंत्री भी बने, लोहावट से एक मंत्री राजस्थान को मिला। अब रोचक हुआ यहां पर 2018 का विधानसभा चुनाव।
जहां कांग्रेस ने अपनी जीत का सूखा खत्म किया। लगातार दो बार विधायक रहे गजेंद्र सिंह खींवसर को हराया। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णाराम बिश्नोई ने 1,06,084 वोट प्राप्त किए, जबकि बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह खींवसर को 65,208 वोट मिले। इतने बड़े आंकड़े से जीत हुई यहां पर कृष्णाराम बिश्नोई की। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो लोहावट में एक चीज खास है वो यहां का जातिगत समीकरण है, क्योंकि राजस्थान की अधिकतर जो सीटें हैं लगभग आप समझ लीजिए 130 120 के लगभग सीटें, यहां पर जातियां ही तय करती है कौन व्यक्ति जीतेगा कौन हारेगा। लोहावट में बात करें तो राजपूत यहां पर सबसे ज्यादा 55,000 है, SC ST 45,000, मुस्लिम 12, जाट 15,000, OBC 45,000 के लगभग है और 10,000 यहां पर सामान्य वर्ग के मतदाता है। अब तक 2008, 2013 और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में दो बार राजपूत प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं लोहावट विधानसभा सीट पर एक बार बिश्नोई समाज के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जो कि मौजूदा विधायक ही कृष्णाराम बिश्नोई वहां पर विधायक है। लोहावट की सबसे बड़ी पहचान अपराध से है, क्राइम से, और इसे अपराधियों का गढ़ माना जाता है। आपराधिक गतिविधियों और कुख्यात गैंगस्टर के कारण ये क्षेत्र हमेशा से चर्चा में रहा है। इस क्षेत्र में अवैध हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग यहाँ पर ही लोहावट से ही सक्रिय हुआ है। साथ में वहाँ पर 007 गैंग, 0029 गैंग और साथ में कई और कुख्यात गैंग वहां पर सक्रिय है। 2023 के चुनावों में जहां पर लोहावट में अभी तक भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बात करें कि संभावित उम्मीदवार कौन होंगे तो कांग्रेस पार्टी से जो मौजूदा विधायक है कृष्णाराम बिश्नोई वो भी हैं, करण सिंह है, गजेंद्र सिंह खींवसर है, दो बार विधायक रह चुके हैं, प्रभु सिंह बुड़किया है, विक्रमादित्य सिंह है यहाँ पर, सत्यनारायण बिश्नोई, मृगेंद्र सिंह भाटी और माधु सिंह पलीना के साथ साथ NSUI के नेता, युवा नेता अभिषेक का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे समीकरण अलग अलग हॉट सीट का, और इसके बाद अगर आपको इस हॉट सीट में कुछ रोचक लगे या फिर कोई जानकारी आप राजस्थान चौक के साथ में इस सीट से जुड़ी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान चौक के साथ।